बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। आज स्कूल खुला है, आज पहला दिन है और ख़ास करके स्पेशल घंटी मैथमेटिक्स का मेरा क्लास 9th में ही, और जिसको हम बहुपद के बारे में पढ़ा रहे थे जिस चीज़ को, उसी का दूसरा एक्सरसाइज 2.2 आज बताने जा रहे हैं कि बहुपद का मान ज्ञात करना है। बहुपद का मान ज्ञात करना पहला क्वेश्चन में है। अगर चर का वैल्यू दिया हुआ है तो मान क्या होगा। ठीक उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि अलग अलग मान अगर दिया हुआ है वैल्यू चर का तो उसका क्या मान होगा। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं प्रश्नवली 2.2 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। प्रश्नावली 2.2। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर बहुपद 5x-4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें एक नंबर में कह रहा है कि x = 0। अगर x = 0 हो तो बहुपद का मान क्या होगा। तो बहुपद आपका देखिए 5x-4x² + 3 है, यही आपका बहुपद है। x = 0 रखने पर बहुपद है 5x-4x² + 3। तो x के जगह पर आप 0 बैठाना है, तो 5×0-4×0² + 3। 5×0 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, -4×0² 0 होगा +3। तो ये 0×4×0 0 हो गया +3, बराबर 3 हो गया बहुपद का मान। इस तरह से एक का एक बता दिए हैं, 2-3 बना सकते हैं, तो एक का 2 भी बता ही देते हैं, इसको भी आप लोग सीख लीजिए। तब 3 बनाइए, हमने से 1, 2, 3 अपने से बनाना है। 2 में कह रहा है x = -1 दिया हुआ है, तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा। ये बराबर है आपको 5x-4x² + 3 है। अब x की जगह पर क्या बैठाना है, -1 बैठाना है। 5×-1 -4×-1² + 3। अब देखिए 5×-1 तो -5 हो जाएगा, ये आपका माइनस। 4×-1² क्या होता है, +1 होता है, 4×+1 हो जाएगा +3। तो -5 -4 + 3। अब दोनों माइनस में है तो दोनों जुटेगा, -9 हो जाएगा +3। अब माइनस प्लस घटेगा, -6 बचेगा, ये आंसर हो गया। इस तरह से आपका एक नंबर कंप्लीट हो गया। एक का एक बता दिए, 2 बता दिए, तीसरा खुद बना लीजिएगा, 1, 2, 3 फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करें। 2 का एक बताते हैं, प्रत्येक बहुपद के लिए P0,
पी वन और पी टू ज्ञात कीजिए। चलिए, एक नंबर में दिया हुआ है पी वाई, चर वाई में है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब इसी में आपको पी जीरो का वैल्यू निकालना है। पी जीरो इसका मतलब है वाई बराबर क्या हो गया, जीरो। तो वाई की जगह पर आप जीरो बैठाइए, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, जीरो माइनस जीरो प्लस वन बराबर हो गया वन हो गया। पी जीरो बराबर कितना हो गया, वन। अब पी वन निकालना है, पी वन तो वाई के जगह पर क्या बैठाना है, वन बैठाना है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन है ना, तो वन बैठाइए, वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस वन प्लस वन, ये साफ हो गया बराबर वन। पी वन भी आपको कितना हो गया, वन हो गया। अब पी टू निकालना है, पी टू आपका क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, पी टू निकालना है। तो वाई के जगह पर क्या बैठाना है, टू, टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, टू का स्क्वायर फोर हो गया, माइनस टू प्लस वन, तो प्लस को पहले लीजिए, फोर प्लस वन माइनस टू, फाइव माइनस टू बराबर थ्री हो गया। इस तरह से टू का भी पूरा बन जाएगा, जैसे पी टी बराबर टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब है, तो पी जीरो के जगह पर टी के जगह पर क्या लिखना होगा, जीरो देना होगा। पी वन के लिए टी के जगह पर वन बैठाना होगा, और पी टू के लिए क्या होगा, टी के जगह पर टू बैठाना होगा। इस तरह सब टू बन जाएगा आपका, दो का पूरा बन जाएगा। अब तीन का एक बताते हैं, तीन का एक इसमें कह रहा है कि संगत बहुपद के शून्य हैं, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए, लिख देते हैं, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं। यह आपका सवाल दिया हुआ है। नंबर एक में कह रहा है पी एक्स इजकल टू थ्री एक्स प्लस वन। अब यहाँ शून्यक दिया हुआ है, एक्स बराबर माइनस वन बाई थ्री। अब ये कह रहा है कि क्या पी एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस वन का शून्यक माइनस वन बाई थ्री है, एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई थ्री है। तो जांच करने के लिए क्या करना है कि एक्स का वैल्यू बैठा दीजिए इसमें, अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब है शून्यक है ना। क्या दिया है, पी माइनस वन बाई थ्री, चेक कर लीजिए, थ्री इंटू पी का मान क्या बैठाना है, माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, थ्री थ्री कट गया, माइनस वन प्लस वन बराबर जीरो। इसका मतलब कि यह सत्य है कि एक्स बराबर माइनस वन बाई थ्री सत्य है, सेटिस्फाइड हो गया है ना, एक्स बराबर माइनस वन बाई थ्री सत्य है। इसको ऐसे लिखिए, एक्स बराबर माइनस वन बाई थ्री क्या है, सत्य है। इस तरह से तीन का सब तो बन जाएगा, तीन का एक नंबर और हम बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका सीधे बताते हैं, छः
पी एक्स स्क्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम। अब यहाँ दिया हुआ है एक्स बराबर माइनस एम बटे एल, माइनस एम बटे एल, ये सत है कि नहीं है चेक करना है। तो ठीक है, पी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस एम बटे एल बराबर एल इन टू एक्स के जगह क्या लिखे हैं, माइनस एम बटे एल, अब प्लस क्या है एम, एल एल साफ हो गया, माइनस एम प्लस एम बराबर जीरो हो गया, ये भी सत्य है। यानी एक्स बराबर माइनस एम बटे एल क्या हो गया, सत्य है। चलिए ये भी आपका बन के तैयार हो गया। अब हम चार का एक बताते हैं, एक से एक खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, आप इसको जो है टास्क दे देंगे। तो चार का एक पहले बता देते हैं, चार का एक बहुपद का शून्य ज्ञात करें, बहुपद का शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। नंबर एक में पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स चर में बहुपद है एक्स प्लस फाइव, इसका शून्य निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस फाइव बराबर कर देंगे जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस फाइव, यही शून्य हो गया। इसी तरह से इसका मान लिया जाए तीन नंबर है, पी एक्स में एक बहुपद है टू एक्स प्लस फाइव, इसका शून्य निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला काम 2x प्लस फाइव बराबर जीरो कर देंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपको, माइनस फाइव, क्योंकि प्लस फाइव इधर जाएगा तो माइनस फाइव हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, माइनस फाइव बाई टू, यही आंसर हो गया इसका। अच्छा इसका लास्ट है, इसको भी बता देते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट का लास्ट क्वेश्चन सेवन, पी एक्स इजकल टू सी एक्स प्लस डी, है ना, एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या कीजिएगा, सी एक्स प्लस डी इजकल टू जीरो, सी एक्स इजकल टू माइनस डी, या एक्स इजकल टू माइनस डी बाई सी। इस तरह से आप चार नंबर का सारे क्वेश्चंस का शून्य निकाल सकते हैं। तो आज 2.2 एक्सरसाइज का एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, चारों का एक एक दो क्वेश्चन बता दिए हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसको टास्क देते हैं, बाकी पूरा बना के रखिएगा, इसमें अगर कोई नहीं बन पाया तो उसके बारे में भेजिएगा, ठीक है।